दोस्तों, हाल ही में रिलायंस ने IIT और IISc बेंगलोर जैसे शीर्ष भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर चैट GPT की तरह ही भारत GPT चैटबॉट लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका नाम हनुमान रखा गया है। दरअसल इसका मेन मोटिव भारत की भाषाई विविधता को सपोर्ट करना है। ये 12 से अधिक भारतीय भाषाओं में वॉइस मोड को सपोर्ट करने के साथ साथ 22 भाषाओं में टेक्स्ट मोड पर भी सपोर्ट करता है। इस चैटबॉट को नेशनल हब ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया जा सके। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि नेशनल हब ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत आता है। आपको बता दें, नेशनल AI स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग भारत का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक लीडिंग पावर बनना है। इसके साथ ही भारत 2036 तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट द्वारा अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन जुटाने का भी लक्ष्य रखता है।